रहे हैं इंडिया खबर लाइव, आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंजबासोदा शहर में एक और सरकार अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ताजा मामला आंगनवाड़ी केंद्र गौचर बड़ीवीर का है, जहाँ गौचर की कार्यकर्ता का कहना है कि 2 माह से बच्चों को ना तो पौष्टिक आहार दिया गया है और ना ही भोजन दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि जितना भोजन आता है वह एक मोहल्ले में बांट दिया जाता है, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को भोजन नहीं दे पाते हैं। पौष्टिक आहार की कमी के कारण 4 बच्चे कुपोषित भी हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार सुपरवाइजर अपनी लापरवाही का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही हैं। इंडिया खबर लाइव ने पड़ताल किया तो पाया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक आहार की बोरियों इसी साल की हैं, जबकि बोरियों में रखे पौष्टिक आहार के पैकेट्स पर पिछले साल की दिनांक लिखी गई हैं। हमारे संवाददाता से SDM प्रकाश नायक ने बात करते हुए कहा कि अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाने वाले संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से LN चौबे की रिपोर्ट। कुपोषित थे तो आपने विभाग में शिकायत की? करी थी सर शिकायत, मैडम से भी बोला था। कौन है मैडम यहाँ के सुपरवाइजर? ये आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस तरीके की स्थिति है। वैसे ऐसी स्थितियाँ हमारे क्षेत्र में नहीं है, फिर भी आपके द्वारा बताया गया है तो सघन जांच कराई जाएगी आंगनवाड़ियों की, पर्टिकुलर उन क्षेत्रों को जो आदिवासी से संबंधित, और कहीं पर भी ऐसी अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधित जो भी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।